नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषिराज कश्यप। आज मैं आपको गणित के उस चैप्टर को पढ़ाऊंगा जहाँ से गणित की शुरुआत होती है, यानी कि कहें तो संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति के बारे में देखेंगे, संख्या पद्धति कहाँ से शुरुआत है और संख्या पद्धति में क्या क्या दिया गया है। संख्या पद्धति इसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपकी जो गणित की शुरुआत है, सबसे पहले गणित की शुरुआत कहाँ से करेंगे? डिजिट से, यानी कि अंक से। भाई गणित है, गणित में संख्याएं, और संख्याओं में भी संख्या की छोटी इकाई, उससे भी छोटी इकाई है अंक। तो अंक की अगर परिभाषा की बात की जाए, तो अंक की परिभाषा हम क्या बताएंगे कि अंक की परिभाषा क्या होती है, मतलब किस हिसाब से डिनोट करेंगे। तो हम समझाते हैं आपको कि मतलब देखो, उसमें समझो कि इस अंक की परिभाषा कैसे बन सकती है। जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिखा पांच, पांच लिखा, फिर इसके बाद ये हिंदी का पांच, ये रोमन अंक में पांच, ये पांच लिखा हुआ है, यहाँ पे भी पांच लिखा है अंग्रेजी में, यहाँ हिंदी में, यहाँ रोमन अंक में। ये आपका गुणा करने का साइन है, जोड़ने का, घटाने का, भाग करने का, ये आपके साइन है। कुछ साइन आपके फिजिक्स में, मैथ में, फिजिक्स में, भौतिक में आपके साइन है, जैसे आपका शाही हुआ, एप्साइलन हुआ, ये आपके फिजिक्स में साइन है। तो हमारा इन साइनों को यहाँ पे डिनोट करने का मतलब नहीं है, हमारा मतलब बताने का यह है कि अंक की परिभाषा हम कैसे बनाएंगे। तो हम अंक की परिभाषा यहाँ से बनाते हैं कैसे, कि ये जो प्रतीक हैं, चिन्ह हैं, इन चिन्हों का प्रयोग हम संख्याओं को लिखने में करते हैं। तो यहीं से हमारी परिभाषा बनती है कि संख्याओं को लिखने में जिन प्रतीकों अथवा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें अंक कहते हैं। अंक होते कितने, अंकों की संख्या कितनी होती है? अंकों की संख्या होती है 10। और अंक होते कहां से कहां तक है? अंक होते हैं 0 से 9 तक। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। गणित की हमारी जितनी भी संख्या है, इन्हीं 10 अंकों के प्रयोग से बनी हुई है। इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग होता है 0 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक 9 अंक हो गए, और 0 आपके टोटल कुल मिला के 10 अंक है। तो परिभाषा हमारी क्या हो गई अंक की? संख्याओं को लिखने में जिन प्रतीकों अथवा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें अंक कहते हैं। अब अंक के बाद हमारी दूसरी परिभाषा आती है संख्या। संख्या, संख्या की परिभाषा हम कैसे देंगे? संख्याएं क्या होती हैं? इन अंकों का प्रयोग करके हम संख्या, जैसे ये 1 अंक की संख्या हो गई, हमने यहाँ पे और किसी अंक का प्रयोग और कर लिया, ये 2 अंक की संख्या हो गई, हमने और किसी अंक का प्रयोग किया, ये 3 अंक की संख्या हो गई। तो यही से हम संख्या की परिभाषा बनाएंगे। तो देखते हैं संख्या की परिभाषा क्या बनती है। इकाई, ढाई, कॉमा सैकड़ा, कॉमा हजार, कॉमा डॉट 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 के स्थान पर
अंकों के प्रयोग से बने समूह को संख्या कहते हैं। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, डॉट 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 डॉट, जहां तक आप काउंट कर सकें, जहां तक काउंट करते जाएं करते जाएं, संख्याओं की कोई लिमिट नहीं है, संख्याएं अनंत तक होती हैं। तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, डॉट 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 के स्थान पर अंकों के प्रयोग से बने समूह को संख्या कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इकाई के स्थान पर अभी हमने पांच को प्रयोग किया और यहाँ पे हमने दो ले लिए, इकाई और ढाई, इकाई ढाई। यहाँ पे हमने तीन अंक ले लिए, इकाई ढाई सैकड़ा। हम अगर चार अंकों की संख्या बनाना चाहें तो हम चार अंकों की संख्या बना सकते हैं। तो ये चार अंकों की संख्या हो गई, इकाई ढाई सैकड़ा हजार। तो ये आपकी संख्या की परिभाषा हो गई। अब हमारा मेन पॉइंट चालू होता है कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। तो आगे देखते हैं, सबसे पहले संख्या में हम लिखते हैं नंबर एक पे प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? तो प्राकृतिक संख्याओं को याद करने में और समझने में एक बार पढ़ लेते हो, समझ लेते हो कि हाँ प्राकृतिक संख्याएं कहाँ शुरू होती हैं, एक से शुरू होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। लेकिन बाद में आती है तो उसमें कंफ्यूजन होता है कि जीरो भी प्राकृतिक संख्या होती है या नहीं होती है। तो वो आज कंफ्यूजन बिल्कुल दूर कर दिया जाएगा आपका। जैसे प्राकृतिक का मतलब है प्रकृति में विद्यमान। प्राकृतिक का मतलब क्या है? वो चीजें जो प्रकृति में, प्रकृति से प्राप्त हो या प्रकृति में विद्यमान हो, वो चीजें प्राकृतिक होती हैं। जो हमारी प्रकृति में है वो प्राकृतिक है। जैसे मान लो हम दो दोस्त मार्केट गए, मार्केट जाने पर एक दोस्त ने हमसे कहा कि भाई जेब में कुछ पैसे पड़े हुए हैं। तो उस टाइम मेरी जेब में एक भी पैसा नहीं था, तो मैंने जेब में हाथ डाला और कहा कि मेरी जेब में तो एक भी पैसे नहीं है। लेकिन वहां पे हमने ये नहीं कहा कि मेरी जेब में शून्य रुपए पड़े हैं या जीरो पैसा है। हम क्या कह रहे हैं वहां पे, क्योंकि हमारी प्रकृति में अभी तक नहीं है कि हमारी जेब में शून्य पैसा है या शून्य रुपया है। हम ये कह देते हैं कि एक भी पैसा नहीं है। और इसीलिए आर्यभट्ट जी ने शून्य का आविष्कार किया है, शून्य का आविष्कार किया, क्योंकि जैसे मान लो पांच, पांच में से पांच घटाया तो यहाँ पे अब हम यहाँ देखा कि कोई भी अंक नहीं है और कुछ भी नहीं बच रहा है। तो इसमें भी इसको प्रदर्शित करने के लिए कुछ ना कुछ भाई प्रतीक होने चाहिए। तो पांच में से पांच घटाए, अब यहाँ पे ये तो लिखेंगे नहीं कि एक नहीं या एक भी नहीं, पांच में से पांच गया, या ये तो लिखेंगे नहीं कि एक भी नहीं। तो इसी इसी चीज को प्रतीक बनाने के लिए हमें किस आर्यभट्ट जी ने किसका आविष्कार किया, शून्य का। तो शून्य का आविष्कार करने पर, और हम सिर्फ इतना कर लें कि शून्य हमारी आज दिन तक अभी भी प्रकृति में नहीं है। ये हम गणित में यूज करते हैं कि पांच में से पांच गया जीरो, छह में से छह गया जीरो। लेकिन जब बात हमारी खुद की आती है, हम अपने ऊपर जब डालते हैं तो हमारे हमारे पास अगर जैसे हम अभी यहाँ पे मार्कर पकड़े हुए हैं और हमसे ये कहा जाए कि मेरे मेरे पास कितने डॉट पेन है, तो अगर मेरे पास है तो हम कह देंगे एक है, दो है, नहीं है तो हम कहेंगे मेरे पास एक भी नहीं है। लेकिन ये हमारे मुंह से नहीं निकलेगा कि हमारे पास शून्य पेन है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यानी कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो एक से प्रारंभ होती हैं। कहां से प्रारंभ होती हैं? एक से, और इन्हें एन से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं एक से प्रारंभ होती हैं और इन्हें एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होती कहां तक है? कई लोगों को ये संदेह रहता है, इस दिमाग में डाउट रहता है कि एक से लेकर नौ तक ही होती है। नहीं, प्राकृतिक संख्याएं होती है एक से लेकर अनंत तक, इनकी कोई काउंटिंग नहीं है। ये आपकी हो गई प्राकृतिक संख्याएं।
अब इसके बाद आपकी संख्याएं आती हैं पूर्ण या संपूर्ण संख्या, पूर्ण या संपूर्ण संख्या जिनको बोलते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में जो हम एक संख्या छोड़ चुके हैं, अभी छोड़ दिए थे जो हम शून्य को, उसी को सम्मिलित कर देंगे तो वो सभी संख्याएं हो जाएंगी जिनको हम बोलते हैं क्या पूर्ण संख्या। बस इनके ही पहले अक्षर से इसको भी डिनोट करते हैं W, सेट बनाया हुआ है 0, यहाँ पे शून्य, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू इन्फिनिटी, अनंत तक, अनंत तक पूर्ण संख्याएं भी। पूर्ण संख्याओं में सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, क्या किया हमने यहाँ पे शून्य को सम्मिलित कर लिया। अब हम इसका दूसरा सेट ये बना सकते हैं कि शून्य कॉमा ये हमारी संख्याएं सब लिखी हुई है, कौन सी प्राकृतिक संख्याएं, तो हमारा सेट ये भी बन गया शून्य कॉमा एन का। अब यहां से हमारे दो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पुटअप होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से बनते हैं, कौन कौन से, नंबर 1 क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। दूसरा क्वेश्चन है क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। दूसरा है क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो हमने सेट यहां पे क्या बनाया था W0, N। तो हम ये देखेंगे कि जो पूर्ण संख्याएं हैं, जो पूर्ण संख्याएं हैं उनमें एक ऐसी संख्या है शून्य, एक ऐसी संख्या है जो प्राकृतिक संख्याओं में नहीं है। तो क्वेश्चन यहां पे जो पुट अप किया गया क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में एक ऐसी संख्या शून्य एक ऐसी संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो हमारा यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। कारण रीजन क्या है, क्योंकि शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो जो पूर्ण संख्याएं हैं उनमें तो ये लिखा ही है आपका सभी प्राकृतिक संख्याएं, भाई पूर्ण संख्याओं के सेट में तो लिखी है सभी प्राकृतिक संख्याएं, तो हम यहां पे करेंगे क्या, हाँ सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। ये बहुत ही दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही कंफ्यूजन पैदा करने वाले क्वेश्चन है, और हमने सेट से आपको समझाया है। यहां पे देख लो ये W जो आपका पूर्ण संख्याओं का सेट है उसमें 0 है और N है, तो 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि पूर्ण संख्याओं में 0 एक ऐसी संख्या है जो प्राकृतिक नहीं है, इसीलिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक नहीं हो सकती, क्योंकि शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपका और भी संख्याएं हैं,
इन संख्याओं को, पूर्ण संख्याओं को, प्राकृत संख्याओं को दो भागों में और बांटा गया है, इनको हम बोलते हैं सम संख्याएं। इवन नंबर। तो सम संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो दो से पूर्णतया विभाजित हो जाएं। कुछ लोग उसको ये देखते हैं, बस ये कह देते हैं कि वे संख्याएं जो दो से कट जाएं, वे संख्याएं जो दो से कट जाएं सम संख्या होंगी। नहीं, ये चीज गलत हो जाएगी। हम क्या कहेंगे कि वे संख्याएं जो दो से पूर्णतया विभाजित हो जाएं। पूर्णतया विभाजित होने का मतलब, क्योंकि दो से तो आपका ये 15 भी कट जाएगा, दो से काट तो जरा 7.5 आ गया। हमारा यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या है कि हमें क्या कहना है कि वे संख्याएं जो दो से पूर्णतया विभाजित हो जाए, वे संख्याएं जो दो से, ये जरूर लिखेंगे पूर्णतया, ये जरूर याद रखेंगे कि पूर्णतया विभाजित होनी चाहिए, पूर्णतया विभाजित वे संख्याएं जो दो से पूर्णतया विभाजित हों, तो वे संख्याएं जो दो से पूर्णतया विभाजित होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं कहलाती हैं। कहां शुरुआत कर होती हैं? दो, चार, छह, आठ, दस, बारह टू इन्फिनिटी, अनंत। इसके बाद आपका विषम, विषम संख्या या विषम प्राकृतिक संख्या, ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स क्या होते हैं कि वे संख्याएं जो दो से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं, वे संख्याएं जो दो से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो दो से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं कहां शुरू होती हैं? एक, तीन, पांच, सात, नौ, ये भी आपकी अनंत तक होती हैं। तो ये आपके होगी सम संख्याएं, विषम संख्याएं। हमें यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, पूर्णतया, कि वे संख्याएं जो दो से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं सम संख्या कहलाती हैं, और वे संख्याएं जो दो से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्या कहलाती हैं। इसके बाद आते हैं आपके पूर्णांक। इंटीजर्स, इसके बाद आपके पूर्णांक आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन आपका ये बनता है कि इंटीजर्स कितने प्रकार के होते हैं? तो इंटीजर्स आपके होते हैं तीन प्रकार के। देखते हैं संख्या रेखा आपकी जो होती है, इनको संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, अप टू प्लस इंफिनिटी, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, अप टू माइनस इंफिनिटी। ये जो आपकी
इसको बोलते हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा नंबर लाइन, जो ऋणात्मक पूर्णांक जो ऋणात्मक संख्याएं हैं उनको हम बोलते हैं ऋणात्मक या ऋण पूर्णांक। धनात्मक या धनात्मक या धन पूर्णांक। निगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, और ये आपका जो न ऋणात्मक होता है ना ही धनात्मक होता है, स्वयं में एक पूर्णांक है, शून्य पूर्णांक, जिसको बोलते हैं जीरो इंटीजर, क्योंकि ये इंटीजर यहाँ पे एस नहीं लगा हुआ है, इसलिए कि यहाँ पे ये सिंगल पूर्णांक है अकेला, यहाँ पे कई पूर्णांक हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर्स। अच्छा, जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स के आई से डिनोट करते हैं इसको, आई पॉजिटिव, और निगेटिव पूर्णांक को आई निगेटिव, इनको ऐसे डिनोट करते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या हुआ, पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, पूर्णांक तीन प्रकार के होते हैं, नंबर एक धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। शून्य जो होता है जीरो, ना ही धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। आगे देखते हैं, अब इसके बाद आपके पूर्णांक हो गए कि पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, पूर्णांक तीन प्रकार के होते हैं, धन पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। अब आपका आता है बहुत ही महत्वपूर्ण परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याओं से आपका जो परिमेय संख्याओं से बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है, और टीईटी में तो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें क्या है कि परिमेय संख्याओं से पूछ ही दिया जाता है कि परिमेय संख्या, इसमें से बताओ कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या की परिभाषा की अगर बात की जाए, डेफिनेशन की, वे संख्याएं जिन्हें पी अपॉन क्यू, और पी अपॉन क्यू में भी कंडीशन होगी क्या, दैट इज क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। वे संख्याएं जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण से हम यहाँ लिख सकते हैं 5/3, 7/9, 11/15, 20/17। अच्छा, कंडीशन में ये कहा गया कि Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए, बाकी और भी कुछ हो सकता है। अब जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया 7, तो 7 के नीचे हम क्या लिख सकते हैं, 1। हमने यहाँ पे लिख लिया 9,
9 के नीचे हम क्या लिख सकते हैं, 1, तो q का मान 0 ना हो और बाकी का कुछ भी हो तो वो सब क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। अब परिमेय संख्याएं कहलाएंगी तो परिमेय संख्याओं में आपका ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कि शून्य परिमेय संख्या है या नहीं। तो शून्य में क्या है, शून्य में बटे में हम एक कर सकते हैं, अपॉन में क्या कर सकते हैं, एक कर सकते हैं। तो यहां पे p का मान हमारा हो गया 0 और q का मान हो गया 1। हमें यहां पे ये बताया गया कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये नहीं कहा गया कि q p का मान क्या होना चाहिए, p का मान 0 है हमें कोई दिक्कत नहीं। तो इससे हमें जाहिर होता है क्या कि 0 क्या है, परिमेय संख्या है। अब देखते हैं परिमेय संख्या कौन कौन है। परिमेय संख्या हम देखेंगे, परिमेय संख्याएं कौन कौन सी परिमेय संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी। आपका ये कहा जाए कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, हाँ में जवाब होगा कि हाँ सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि हमारा जैसे मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, अनंत तक हमारा जो भी आएगा उसमें हम बटे में 1 लिख सकते हैं, अपॉन में 1 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि प्राकृतिक संख्याएं सभी परिमेय संख्या होंगी, पूर्ण संख्याएं सभी सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी। अब यहां से एक चीज और मिलती है क्या, कि ये कह दिया जाए कि क्या सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होंगी, तो पूर्णांक भी परिमेय संख्याएं होंगे, क्योंकि पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्ण अंक होते हैं, धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, चिन्ह से हमें कोई मतलब ही नहीं है, परिमेय संख्या से मतलब है, पी का मान ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। तो प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक सब क्या होते हैं, परिमेय संख्या। एक और बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें डाउट भी बहुत रहते हैं कि पाई एक परिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान है 22/7 वो एक परिमेय है। बिल्कुल सही है भाई, जो 22/7 है वो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा है, ऑलरेडी से अपनी स्थिति में है, 22/7 परिमेय संख्या है, लेकिन पाई क्या है। अब गलत उसको संशय डाउट का डाउट तो इसीलिए रहता है कि पाई बराबर 22/7 मान लेते हो, जबकि पाई बराबर 22/7 नहीं, पाई बराबर 22/7 के लगभग में मान होता है, एग्जैक्ट मान नहीं होता है। और यहाँ पे आपका 22/7 को जब हम इसको प्लस करेंगे काटेंगे, तो जब काटते हैं 7×21 आपका पॉइंट लगाया बचा 1, 10 हो गया, 7×1=7 बचा 3, 7×6=28 बचा 2, 7×2=14 बचा 6, 7×8=56 बचा 4, 7×5=35 बचा 5, 7×7=49 बचा 1, फिर से हम 1 बचा तो फिर से 7×7, 7×6=28, फिर से हमारा रिपीटेड होता चला जाएगा 22/7। हम पाई का मान ये भी रखते हैं 3.14, तो 22/7 के बराबर ये भी नहीं है, तो पाई अप्रोक्सीमेटली 22/7 अप्रोक्सीमेटली 3.14। तो 22/7 जो है ये तो अपनी यथास्थिति में है पी अपॉन क्यू के रूप में, तो इसको तो हम कह सकते हैं क्या होता है परिमेय संख्या, 22/7 परिमेय संख्या होती है, लेकिन यहाँ पे इसका कोई एग्जैक्ट मान नहीं है क्लियर कि ये इसका कोई एग्जैक्ट मान है कि ये इतना मान है कि 22/7, इसीलिए कंफ्यूजन रहता है कि 22/7 एक परिमेय संख्या है और पाई एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा कैसे हो सकता है।
तो ये इसलिए है कि पाई का मान 12/7 के लगभग में होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर नहीं होता है। तो यहाँ से ये चीज हम नोट करके रखेंगे कि पाई एक अपरिमेय संख्या है और 12/7 एक परिमेय संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य एक शून्य एक परिमेय संख्या है। ये आपकी थी परिमेय संख्याएं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक था परिमेय संख्या का। अब आगे देखते हैं, अपरिमेय संख्या संख्या रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या क्या होती है कि वे संख्या जिन्हें p अपॉन q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वे संख्याएं जिन्हें p अपॉन q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। दूसरे शब्दों में हम एक और परिभाषा इसकी कह सकते हैं, वे संख्याएं जिनका पूर्णतया वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता, है अपरिमेय संख्या कहलाती है। वे संख्याएं जिनका पूर्णतया वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता है अपरिमेय संख्या कहलाती है, जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, .. अब जैसे √4 है, √4 का हम पूर्णतया वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं कितना, 2। √9 है, √9 का पूर्णतया वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं कितना, 3। √1 है, √1 का पूर्णतया वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं कितना, 1। तो ये आपकी हो गई अपरिमेय संख्याएं। और वे संख्याएं जो अशांत दशमलव होते हैं, अशांत दशमलव का मतलब दशमलव के बाद की संख्याएं शांत ही नहीं होती, कटती रहती है, आगे आती रहती हैं। जैसे 12/7 को अभी हम काट के दिखा रहे थे आपको, तो 12/7 का जो मान होगा आगे जो कट नहीं रहा है वो उसमें अशांत दशमलव के रूप में आ जाएगा। तो अशांत दशमलव की संख्याएं क्या कहलाएंगी आपकी, अपरिमेय संख्याएं। तो ये आपकी अपरिमेय संख्याएं भी हो गई। और अभाज्य संख्याओं का स्पेशल वीडियो हम पहले से ही अपलोड कर चुके हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे अभाज्य संख्या नहीं बताई कि प्राइम नंबर्स आपकी जो है वो हम पहले से ही लोड कर चुके हुए हैं। तो उसमें आप अभाज्य संख्याओं को, क्योंकि उसमें स्पेशलाइजेशन किया गया था, उसमें ट्रिकली बताया गया है कि अभाज्य संख्याएं कैसे होती हैं, कैसे हम निकालेंगे अभाज्य संख्याओं को लिखे बिना ही, अभाज्य संख्याओं को निकाले बिना ही, लिखे बिना ही हम ये बता देंगे कि संख्याओं के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, क्या है, ट्रिकली हमने उस पर डाल रखा है, आप लोग उस पर देख सकते हैं। ठीक है, आपको आई होप कि आपको थोड़ा बहुत उसमें समझ में आया होगा। अगर आप कुछ थोड़ा बहुत भी सीख रहे हैं तो उसमें ईमानदारी पूर्वक आप उसमें देखिए,
सब्सक्राइब कीजिए, आगे उसको और बढ़ाइए। ठीक है, धन्यवाद।